मैं हूं आपकी मेजबान नारिफ खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम का मुल्क में 17,000 नए हाउसिंग यूनिट तामीर करने का ऐलान। मंसूबे में $2 बिलियन की लागत आएगी। ट्रूडो का कहना था कि आवाम की आसानी के लिए मजीद इकदाम करेंगे। कनाडा की नायब वजीर आजम को हिरासा किया जाने का वाकया। RCMP वाकये की तहकीकात कर रही है। RCMP का कहना था कि सरकारी अहलकारों के खिलाफ धमकियों को संजीदगी से लेते हैं। लॉन्ग टर्म केयर होम्स जाने से इनकार करने वालों को $1,800 की अदायगी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। फोर्ड का कहना था कि हमें एक लागत का तायुन करना पड़ेगा। सेहत की देखभाल अव्वलीन तरजीह है। साबिक सोवियत यूनियन के सदर मिखाइल गोरबाचोव चल बसे। गोरबाचोव ने अमेरिका के साथ सर्द जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन टूटने के मुआहदे पर दस्तखत के बाद सदारत से इस्तीफा दे दिया था। जर्मनी को रूसी कंपनी से गैस सप्लाई मुअत्तल। तालिबान हुकूमत भी रूस से सस्ते दामों पेट्रोल की खरीदारी के लिए तैयार। पेट्रोल के अलावा गंदम और गैस की खरीदारी के लिए भी बातचीत जारी है। बरतानिया में मुआशी बहरान जारी। शहरियों को नए मसाइल का सामना। मुजाकरात और ड्राइवरों की तनख्वाहें बढ़ाने पर जोर। बस ड्राइवरों ने 48 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम शहबाज। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि $2 बिलियन के वफाकी मंसूबे के तहत पूरे कैनेडा में तकरीबन 17,000 नए हाउसिंग यूनिट बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि $2 बिलियन के वफाकी मंसूबे के तहत पूरे कैनेडा में तकरीबन 17,000 नए हाउसिंग यूनिट बनाए जाएंगे। ये मनसूबा बंद अखराजात पहले से तयशुदा दो विफाकी बजटों में किए गए वादों में से एक है। ऑन्टेरियो के शहर किचनर में सस्ती हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये मुआवन रिहायशी इमारत अब दर्जनों खवातीन के लिए घर है जो बेघर होने के खतरे से दो चार है या जो उन यूनिटों की तामीर तक उसका सामना कर रही थी। ट्रूडो ने अफोर्डेबल हाउसिंग इन्वेंशन फंड के जरिए 10,800 नए हाउसिंग यूनिट्स का भी वादा किया जिनमें से 6,000 को सस्ती रिहाइश फराहम की जाएगी। उन्होंने इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कैनेडियंस के लिए रेंट टू ओन पायलट को भी फरोख दिया। हुकूमत के रैपिड हाउसिंग इनिशिएटिव के एक हिस्से के तौर पर ट्रूडो के साथ हाउसिंग और तनु और शमूलियत के वजीर अहमद हुसैन भी उनके हमरा मौजूद थे। 17,000 यूनिट्स में से ज्यादातर कम कीमत होंगे लेकिन ट्रूडो ये नहीं कह सके कि वाटरलू के इलाके और गैल्फ में कितने यूनिट बनाए जाएंगे। गुज़िश्ता सितंबर के आदाद व शुमार के मुताबिक वाटरलू के इलाके में 1,085 लोग घर के बगैर थे। एक इलाकाई रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से कुछ किचनर में विक्टोरिया स्ट्रीट के साथ एक कैंप में रह रहे थे जहाँ इस मौसम गर्मा में 60 रिहायशों की रिहाइश थी। RCMP का कहना है कि नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड पर एक ऐसे शख्स की तरफ से इल्ज़ाम आयद करने के बाद वाकये की तहकीकात कर रहा है जिसने बार बार उनसे बदतमीजी की और उन्हें गद्दार कहा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। RCMP का कहना है कि वो अल्बर्टा में हफ्ते के आखिर में नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड पर एक ऐसे शख्स की तरफ से इल्ज़ाम आयद करने के बाद तहकीकात कर रहा है जिसने बार बार उनसे बदतमीजी की और उन्हें गद्दार कहा। बड़े पैमाने पर गर्दिश करने वाली वीडियो में दिखाया गया है कि फ्रीलैंड जुमे को ग्रैंड प्रेरी अल्बर्टा में सिटी हॉल की इमारत के अंदर पहुंच रही है और जब वो एक लिफ्ट के करीब पहुंची और उसमें दाखिल हुई तो उस शख्स का सामना करना पड़ा। वीडियो में जो ऑनलाइन पोस्ट की गई थी उस शख्स ने फ्रीलैंड को चीख कर उसे गद्दार कहा और उन्हें गाली दी। RCMP तर्जुमान का कहना था कि RCMP इस वाक्य की तहकीकात कर रही है जिसका तजर्बा नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने किया था और वो सरकारी अहलकारों के खिलाफ
धमकियों को संजीदगी से लेती हैं। कानूनी माहरीन का कहना है कि उस शख्स का गुस्सा धमकियों की कानूनी तारीफ पर पूरा नहीं उतरता, क्योंकि वो अपनी बातों में बहुत महतात था, लेकिन वो शख्स हिरासा करने और परेशानी पैदा करने के इल्जामात का सामना कर सकता है। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि ओंटेरियो के वो मरीज जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स के लिए अस्पताल छोड़ने से इनकार करते हैं, उन्हें रोजाना $1800 अदा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि ओंटेरियो के मरीज जो तवील मुद्दती निगहदाश्त के घर के लिए अस्पताल छोड़ने से इनकार करते हैं, उन्हें रोजाना $1800 अदा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि ये वाज़े नहीं है कि अगर वो मुंतकली से इनकार करते हैं तो उन्हें कितना मजबूर किया जाएगा। डग फोर्ड से मंगल को क्वींस पार्क में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के बाद बिल 7 के बारे में पूछा गया, जिसमें सेहत की देखभाल, हाउसिंग, इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी गई थी। फोर्ड ने कहा कि सेहत की देखभाल अव्वलीन तरजीह थी। ये पूछे जाने पर कि अगर मरीज मुंतकली से इनकार करते हैं तो कितनी रकम अदा करनी पड़ सकती है, डग फोर्ड ने कहा कि $1800 बिल्कुल मजाका खेज है, लेकिन कहा कि अस्पताल और ऑनटेरियो हेल्थ इस बात पर काम कर रहे हैं कि बिलिंग की रकम क्या हो सकती है। उन्होंने कहा हमें एक लागत का तायुन करना पड़ेगा और अस्पतालों को लागत का तायुन करना होगा। लोग इस बात का तायुन कर रहे हैं, ये मैं ज़ाती तौर पर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जमानत दे सकता हूँ, ये $1800 नहीं होगा। फोर्ड ने कहा कि वो और ट्रूडो दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जब सेहत की देखभाल की फराहमी की बात आती है तो जम्मू काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सूबे के अस्पताल नर्सिंग की कमी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इमरजेंसी रूम्स आरजी तौर पर घंटों या दिनों के लिए बंद होने पर मजबूर हैं। फोर्ड का कहना है कि उन्हें यकीन है कि ट्रूडो और दीगर वफाकी वज़रा से मुलाकात के बाद वफाकी सेहत की देखभाल की माली आनत में इजाफे से मुतालिक एक मुहायदा हालिया के बाद किसी वक्त आएगा। साबिक सोवियत यूनियन के पहले और आखिरी सदर मिखाइल गोरबाचोव 91 बरस की उम्र में चल बसे, वो रियासत और पार्टी के आला तरीन ओहदों पर फाइज रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। साबिक सोवियत यूनियन के पहले और आखिरी सदर मिखाइल गोरबाचोव 91 बरस की उम्र में चल बसे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गोरबाचोव तवील अरसे से बीमार थे। गोरबाचोव ने अमरीका के साथ सर्द जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। वो रियासत और पार्टी के आला तरीन ओहदों पर फाइज रहे। गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन में इस्लाहात मुतारिफ कराए, जिसके तहत सोवियत यूनियन में सेंसरशिप का खात्मा हुआ। उन्होंने नई खारजा पॉलिसी भी बनाई। गोरबाचोव की गई इस्लाहात को तनकीद का सामना करना पड़ा और उन्हें सोवियत यूनियन के खात्मे का जिम्मेदार भी ठहराया गया। गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन टूटने के माहदे पर दस्तखत के बाद सदारत से इस्तीफा दे दिया था। रूसी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर गोरबाचोव काफी अरसे से अलील थे। वो 54 साल की उम्र में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और मुल्क के सरबराह बने। गोरबाचोव के इस्तेहाद के तहत आवाम को हुकूमत पर तनकीद का हक दिया गया, जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पॉलिसी के खिलाफ रद्द अमल भी सामने आया और आखिरकार सोवियत यूनियन टूट गया। जर्मनी को रूसी कंपनी से गैस सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। नॉर्ड स्ट्रीम गैस सप्लाई मरम्मती काम के लिए रोकी गई है, जबकि तालिबान और रूस के दरमियान पेट्रोल और बेंजीन की खरीदारी के लिए माहदे की शराइत पर तकरीबन इत्तफाक हो चुका है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जर्मनी को रूसी कंपनी से गैस सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। नॉर्ड स्ट्रीम गैस सप्लाई मरम्मती काम के लिए रोकी गई है, जबकि तालिबान और रूस के दरमियान पेट्रोल और बेंजीन की खरीदारी के लिए माहदे की शराइत पर तकरीबन इत्तेफाक हो चुका है। रूसी कंपनी का कहना है कि गैस कंप्रेसर यूनिट पर आज से काम शुरू किया जाएगा, जो 3 रोज जारी रहेगा। जर्मन रेगुलेटर का कहना है कि जर्मनी के पास गैस का 85% जखीरा मौजूद है, गैस की बचत कर रहे हैं, LNG के टर्मिनल्स भी आ रहे हैं। जर्मन रेगुलेटर ने मजीद बताया कि मुल्क में बेल्जियम, नेदरलैंड्स और नॉर्वे की बदौलत गैस जरूरियात पूरी हो रही हैं। पाबंदियों के बावजूद भारत और म्यांमार के बाद अब तालिबान हुकूमत ने भी सस्ते दामों पेट्रोल खरीदने के लिए रूस से मुहैदा करने का फैसला कर लिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के वजारत तजारत के तर्जुमान हबीबुर रहमान हबीब का कहना है
کہ روس کے ساتھ پیٹرول اور بنزین کی خریداری کے لیے معاہدے کی شرائط پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے اور معاہدے کی تکمیل جلد ممکن ہے۔ طالبان حکومت کے وزارت صنعت و تجارت نے رائٹرز کو مزید بتایا کہ تیل کے علاوہ گندم اور گیس کی خریداری کے لیے بھی معاہدوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں، جس کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وقت روسی فریق کے ساتھ بات چیت کے لیے ماسکو میں موجود ہے۔ ترجمان حبیب الرحمان حبیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد میڈیا کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ روسی وزارت خارجہ اور وزارت توانائی کے ترجمانوں نے اس پیش رفت پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئے ایک سال ہو گئے، لیکن تاحال کسی ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی $10 ارب کے منجمد اثاثے بحال کیے گئے ہیں۔ برطانیہ میں عوام کو معاشی بحران کے بعد ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی سے شہری آمد و رفت سے متعلق مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں عوام کو معاشی بحران کے بعد ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی سے شہری آمد و رفت سے متعلق مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ برطانیہ میں معاشی بحران شروع ہونے کے بعد لندن بس ڈرائیوروں کی ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں اجرت کی ادائیگی پر پیدا ہونے والے تنازع اور پھر بس ڈرائیورز کی ہڑتال سے اس ملک کے عوام کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ نیشنل ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی یونٹ لیبر یونین نے اعلان کیا ہے کہ 16 بس ڈرائیورز نے 48 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ میں شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ برطانیہ کی یونٹ لیبر یونین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں افراد زر کی شرح 12.3% ہے اور لیبر اجرت کو 2022 کے لیے 3.6% اور 2023 کے لیے 4.2% بڑھائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس لیے یہ ہڑتال بھی کی گئی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپنی میزبان لارف خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔